नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और इस वक्त मैं पहुँचा हूँ घाघस पुल। अगर आप लोगों ने मंडी, मनाली, कुल्लू निकलना है तो आपको राइट हैंड साइड को मुड़ना पड़ेगा। मुझे जाना था धर्मशाला तो मैंने लेफ्ट हैंड लिया, तो यहाँ से धर्मशाला। धर्मशाला जाने के लिए सबसे पहले आपको हमीरपुर एंटर होना पड़ेगा, हमीरपुर सिटी, उसका नदौन। नदौन के पास आपका आएगा धर्मशाला। तो अगर आप लोग धर्मशाला की सैर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो तक आपको एंड तक देखना पड़ेगा, मेरी वीडियो को। तो मैं आपको धर्मशाला और जहाँ जिस कैंप में मैंने स्टे किया था उस कैंप के बारे में बताऊंगा, किस तरीके का कैंप है वो। कंद्रौल पुल के पास जैसे मैं पहुंचा, जैसे मैंने वो क्रॉस किया, उसके बाद मैं पहुंचा हमीरपुर सिटी, हमीरपुर शहर। और एक दिन का स्टे मैंने हमीरपुर में भी किया क्योंकि हमीरपुर मैं घूमना चाह रहा था। और हमीरपुर स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मैं धर्मशाला के लिए निकला। तो हमीरपुर जैसे ही मैंने क्रॉस किया, हमीरपुर के बाद आया नदौन। तो नदौन में मैंने किसी बच्चे को देखा, वो पानी लेके जा रहा था, तो मैंने गाड़ी साइड में पार्क करी और कुछ बातें करी मैंने उसके साथ। मैंने कुछ टाइम बिताया, 5 से 6 मिनट लिए, और उसके बाद चल पड़ा मैं धर्मशाला के लिए। जैसे ही मैं हमीरपुर पहुंचा तो ये बच्चा पानी लेके जा रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसके नीचे टायर लगे हैं क्या लगे हैं, लेकिन ये बड़ा इन्जॉय करता हुआ जा रहा था। रास्ते में मैंने इसको रोका, मैंने इससे बात करी, जैसा कि आप देख रहे हैं आगे। तो इससे अभी मैं बात करूँगा थोड़ी देर में, गाड़ी मैंने साइड में पार्क करी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी मैंने पार्क करी, इसको मैंने रास्ते में रोका, मैंने इसको पूछा कि भाई ये पानी कहाँ ले जा रहे हो। कहते हैं ये पानी हम लोग पीने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसने मेरे पाँव पूंछ हुए, हालांकि मैं इसको जानता नहीं हूँ, और बड़ा खुश हुआ मैं इससे बात करके। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बच्चे से बात करके। तो थोड़े टाइम मैंने इसके साथ बिताया, यानी 5 से 6 मिनट बातचीत करी, काफ़ी अच्छा लगा। कहाँ रहते हो, क्या है, और ये पानी कहाँ ले आ रहे हो। तो उनके काफ़ी इनके डैडी भी आए, इनसे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने बताया कि ये पानी की जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें दूर से लेके आना पड़ता है पीने लायक पानी। ठीक है, तो बस, तो थोड़ी देर मैंने इनसे बात करी, उसके बाद मैं हमीरपुर सिटी पहुंचा। तो जैसे ही मैंने नदौन जो क्रॉस किया, वैसे ही मैं एक टनल के पास पहुंचा, और मुझे थोड़ी ये ऐतिहासिक टनल लगी। डानीताल के बिल्कुल पास ही है, और ये जो टनल्स की जो ये 100 मीटर्स के आसपास ही होगी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी इसके अंदर से ले जाना शुरू किया, तो अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे भी थोड़ी देर में, मेरे शीशे के ऊपर पानी गिरेगा, ये देखिए आप। तो ये टनल्स आपको मिलेगी रानीताल के पास, और काफ़ी ऐतिहासिक टनल, बहुत ही पुरानी टनल होगी। और मुझे, अगर मैं अपनी गाड़ी थोड़ी देर अंदर खड़ी रखता तो मेरी गाड़ी पूरी तरह वॉश हो जानी थी। तो ये टनल मैंने क्रॉस किया, और ये टनल क्रॉस करते ही मैं कांगड़ा, यहाँ से शुरू हो जाएगा कांगड़ा। तो मैं कांगड़ा पहुंचा। कांगड़ा में एक माता का मंदिर आता है, ज्वाला जी टेम्पल, काफ़ी फेमस है, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है ज्वाला माता। तो मैं रात को काफ़ी लेट पहुंचा कैंप, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खनियारा में है। हमारा जो ग्रुप है काफ़ी बार यहाँ पर आया है, और जो इसके ऑनर है वो है हमारे अमित गुप्ता, अमित भाई। और जो मॉर्निंग का जो यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा। तो ये रिसेप्शन है, सुबह आपको मॉर्निंग में इसका नज़ारा दिखाऊँगा, कैंप धर्मशाला कैसे दिखता है। तो ये कैंप धर्मशाला का व्यू है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे ही मैं उठा, 6:30-7 बजे मैं उठ गया था, मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया था। तो मैं थोड़ा हाइट पे गया, वहाँ मैंने वीडियो शूट किया, चाय कॉफ़ी वगैरह ली,
तो ये जिसका कैंप है वो है हमारा अमित भाई, अमित गुप्ता, और ये बिल्कुल जो कैंप है लुंगटा कैंप के आसपास ही है। काफ़ी अच्छा व्यूज़ है क्योंकि मेरा गेस्ट यहाँ जितनी बार भी आया सेटिस्फाई होके गया है यहाँ से, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले मेरी कंपनी को, जो मेरी कंपनी वाइल्ड कैंपिंग टू एंड ट्रैवल के नाम से है। और अगर आप लोगों को हिमाचल में कैंपिंग साइट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप वाइल्ड कैंपिंग टू एंड ट्रैवल को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल पेज भी है दानिश शर्मा के नाम से, और यूट्यूब में मेरा चैनल भी है दानिश व्लॉग्स के नाम से। तो मैं आए दिन जो है कैंपिंग की वीडियोज़ डालता रहता हूँ। ये ओपन डाइनिंग एरिया है बिल्कुल साथ ही है, किचन के साथ है, और ये पोर्ट्रेट है जो जिसे मैंने वीडियो शूट किया था। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अक्सर यहाँ कम से कम 7 से 8 बार आ गया हूँ अपने गेस्ट के साथ, और मैं खुद भी यहाँ के बहुत इन्जॉय करता हूँ। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और सबसे बड़ी बात यह है कि शांति बहुत है इस कैंप में, कोई शोर शराबा नहीं है। और मैक्लोडगंज से थोड़ा बस 10 किलोमीटर दूर है और अच्छी हाइट पर है, धर्मशाला से आप लगा सकते हैं, धर्मशाला से भी इतना ही दूर होगा। तो मैं स्टैंड में आपको बताना चाहूँगा कि रिसेप्शन भी है और जो एकोमोडेशन है यहाँ, इस 10 टेंट है और एक टेंट पे जा सकते हो, ट्रिपल शेयरिंग और डबल शेयरिंग पे रह सकते हैं। ये रिसेप्शंस है, काफ़ी अच्छा रिसेप्शन बनाया है, छोटा सा रिसेप्शन है लेकिन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इनके खाने में काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि एक तो ये जो मसाले हैं बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिमांड के ऊपर है। अगर आप लोगों को स्पाइसी खाना चाहना है तो अगर आप लोग स्पाइसी खाना चाहते हैं तो स्पाइसी भी आपको मिल जाएगा। ये चेक इन चेकआउट का स्टिकर लगा हुआ है, ये अलग से वॉशरूम है, ये नंबर 1 टेंट है, एक नंबर टेंट है, और यहाँ 10 टेंट की अकोमोडेशन है। और ये मेरा टेंट है, मेरा जो टेंट नंबर था 10 नंबर लिया था, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो अपना 10 नंबर टेंट जरूर लेता हूँ। क्योंकि ये जो टेंट है मेरे पास, ये इस टेंट के बिल्कुल सामने धौलाधार की पर्वत दिखती है, बहुत ही प्यारा व्यू। ये धौलाधार की पर्वत आप देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सबके अपने अपने अलग अलग प्राइस है। अगर आपको बिल्कुल पहाड़ी के सामने वाला टेंट चाहिए तो उसके अलग चार्जेस है, बैक साइड में चाहिए तो उसके अलग चार्जेस है। तो मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो अपना 10 नंबर टेंट इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से रिसेप्शन भी नज़दीक लगता है और किचन भी मुझे नज़दीक लगता है। बुलाने के लिए, स्टीवर्ड को बुलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बोलने की मतलब ज़्यादा आवाज़ मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं जब भी अक्सर यहाँ आता हूँ तो 10 नंबर टेंट लेता हूँ। तो अब मैं इसका अंदर का टेंट का आपको दिखाता हूँ किस तरीके का अंदर का टेंट है। अटैच वॉशरूम्स है और आपको अंदर चेयर्स भी मिलेगी, अंदर 2 चेयर्स है, कपड़े रखने की अलमीरा भी है। कई जगह में आपको कैंप में अलमीरा नहीं मिलेगी, अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है पूरा बेडरूम टाइप है। और गर्मी लगे तो आपको यहाँ कूलर भी रखा गया, हालाँकि कई जगह कैंपों में आपको कूलर देखने को नहीं मिलेंगे। और ये लाइट्स जो लैंप्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे हैं, और काफ़ी अच्छा टेंट्स बनाया है। और मैं बोलना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर को कि प्लीज़ विज़िट करें धर्मशाला में, अगर आपको कैंप स्टे करना है तो पक्का आइए, मैं आपको स्टे कराऊँगा। बस आपको थोड़ा सा आपको मेरे फॉलो करना पड़ेगा फेसबुक के, इंस्टाग्राम पर। तो ये हमारा कैंप है जहाँ मैंने स्टे किया था। फिर जैसे ही मेरे दोस्त उठे जिनका नाम है नीरज, इन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की, यार कॉफ़ी पीनी है, तो अपने कॉफ़ी ऑर्डर किया, हमने कॉफ़ी पी और बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा था और थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस फील हो रहा था, तो हमने चाय के वजह कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी पी, और 10 से 15 मिनट हम लोगों ने गप्पे मारे, काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया, और हमने ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए। तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ जो है मैं आपको दिखाता रहूँगा। और नेक्स्ट जो कैंप होगा वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब मैं आपको दिखाऊँगा मैक्लोडगंज, मेरी जो